उत्तराखंड में दर्दनाक हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है। एक बार फिर एक दर्दनाक हादसे की खबर हरिद्वार से सामने आई है। यहां रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र में चाचा भतीजा दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 17 वर्षीय भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं चाचा की हालत नाजुक बनी हुई है। बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। जानकारी के अनुसार युवक बीते शाम अपने चाचा के साथ घर से निकला तो झबरेड़ी कला गांव में बाइक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची झबरेड़ा थाना पुलिस ने शव कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं रानीखेत तहसील अंतर्गत खोलटा गांव में दीपावली की खुशी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बैल ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया और पिता की इस हमले में मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। रानीखेत तहसील मुख्यालय के सुदूर गांव में बैल ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण हल्वानी ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। पिता को बचाने के प्रयास में आक्रामक बैल ने उसके पुत्र को घायल कर दिया, साथ में मौजूद दो बच्चों ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीण आवारा बैल को पिछले कई दिनों से पकड़ने के लिए पशुपालन विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका नतीजा ये निकला कि बैल लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहा है और अब एक व्यक्ति की इस हमले में जान भी चली गई है। इसके अलावा एक और दुर्घटना की खबर सामने आई है बागेश्वर से, जहां बागेश्वर आरे बाईपास में सरयू नदी पर बने पुल की पुताई कर रहे दो पेंटर सरयू नदी में गिर गए, जिसमें से एक को तो पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, तो वहीं दूसरे पेंटर का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते समय ही उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों ही मृतक उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय शाहनवाज और 55 वर्षीय अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मृतकों के परिजनों को भी इस हादसे की जानकारी दे दी गई है।